माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स पार्ट नंबर 31। नंबर 12। इंडिया में ईद, दिवाली, होली ऐसे फेस्टिवल्स यानी त्योहार मनाए जाते, पर अब देखो साउथ कोरिया में हर साल इंटरनेशनल बॉडी पेंटिंग फेस्टिवल मनाया जाता है। इस त्योहार में साउथ कोरियन लोग अपने पूरे शरीर में ऐसे पेंट करते हैं, और स्पेन में हर साल वहाँ के लोग एक जगह इकट्ठा होकर टोमेटो फेस्टिवल मनाते है। इस त्योहार वाले दिन वहाँ के लोगों को एक दूसरे पर टोमेटो फेंकना होता है और सभी लोग पूरा दिन टोमेटोस में लिप्त होते। नंबर 11। आप हर पल सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन को आप अपने शरीर में अंदर लेते हो और फिर बाहर छोड़ते हो। आप चाहे नींद में हो या फिर अपना कोई काम कर रहे हो तो सांस तो आप लेते ही रहते हो, पर क्या आपको पता है कि आप हर साल कितने बार सांस लेते हो? एवरेज में एक इंसान एक साल में 84,08,600 बार सांस लेता है, और ये ऑक्सीजन आपको पेड़ पौधों की मदद से आता है जो कि बिल्कुल फ्री है। इसीलिए उन पेड़ पौधों के नाम इस वीडियो को लाइक जरूर करना, बस एक प्यारा सा लाइक कर दो बस। नंबर 10। जानवर से लेकर इंसान तक सबके शरीर में ब्रेन यानी दिमाग मौजूद है, पर स्टारफिश नाम की एक ऐसी एकलौती मछली है इस धरती पर जिसके पास कोई दिमाग ही नहीं है। नंबर 9। आप सभी लोग आयरन मैन को तो जानती हो, और कैसे नहीं जानोगे, क्योंकि आयरन मैन जीनियस बिलियनर प्लेबॉय फिलैंथ्रोपिस्ट। तो लंदन के एक इन्वेंटर रिचर्ड ब्रॉनिंग नाम के एक आदमी ने बिल्कुल आयरन मैन के जैसे दिखने वाले सूट को बनाया है, जिसे पहनकर कोई भी इंसान आयरन मैन की तरह अब उड़ सकता है। इस सूट में 5 मिनिएचर इंजन लगे हुए हैं, जो उसे 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12,000 फीट तक ऊपर आसमान में उड़ा सकते हैं, और इस सूट की कीमत 3,40,000 पाउंड से, जिसे हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 3,21,00,000 रुपए हो जाएंगे। बहुत सस्ता सूट है ना। नंबर 8। हमारी दुनिया की आबादी 7.8 बिलियन है, और कई सारे बच्चे रोज पैदा होते हैं और कई लोगों की मौत भी हो रही है, पर क्या आप जानते हो आज तक की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में 100 बिलियन लोग पैदा होकर मर चुके हैं। 100 बिलियन, सीरियसली, दैट्स नॉट ए स्मॉल नंबर्स मैन। नंबर 7। इस इमेज में देखिए, ये मोबाइल फोन्स का एवोल्यूशन है। सबसे पहले ऐसा एंटीना लगा हुआ मोबाइल फोन आया था, जिसे मोटोरोला कंपनी ने 1973 में इन्वेंट किया था। फिर नोकिया का बटन वाला मोबाइल आया, और फिर SMS, इंटरनेट और कैमरे का जमाना आया, और जब आईफोन आया तब उसने इन सब मॉडल्स को एकदम से डिसरप्ट कर दिया। क्योंकि मोबाइल कंपनी जब नई आई थी तब लोगों को बटन वाला मोबाइल फोन काफी पसंद आ रहा था, और उस टाइम सब लोग मोबाइल फोन्स के दीवाने बन चुके थे। पर जब स्टीव जॉब्स ने बटन वाले मोबाइल को देखा तब उन्होंने कहा, वह इतना घटिया मोबाइल, और उसके बाद इन्होंने जो मोबाइल बनाया उसने तो पूरी दुनिया में तहलका ला दिया। इन्होंने बटन वाले फीचर को एकदम से हटाकर सीधा स्क्रीन टच वाला मोबाइल का जमाना लाया, और इसके बाद लोग बटन वाले मोबाइल को एकदम से भूल गए और स्क्रीन टच वाले मोबाइल का इस्तेमाल करने लग गए। और अब आज के समय में ये दुनिया स्मार्टफोन से भर चुकी है, और हर किसी के पास स्क्रीन टच मोबाइल है। ये थी मोबाइल एवोल्यूशन की पूरी हिस्ट्री। नंबर 6। लड़कियों के बारे में एक फैक्ट है। लड़कियों को जब भी कोई राज की बात पता चलती है तब लड़कियां उसे 47 आवर्स और 15 मिनट तक उस सीक्रेट को अपने पास संभाल सकती है, पर उसके बाद वो अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को बता ही देती है। नंबर 5। दुनिया में जितने भी पक्षी मौजूद है वो सारे पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाकर आगे की तरफ उड़ते हैं, पर हमिंगबर्ड एक ऐसा पक्षी है जो कि पीछे की तरफ उड़ता है, और ये पक्षी एक सेकंड में 80 बार तक अपने पंख को फड़फड़ा सकता है। नंबर 4। बनाना यानी केले को आपको कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये फ्रूट हमेशा गर्म वातावरण में ही उगता है, और फ्रिज का वातावरण काफी ठंडा होता है, इसीलिए वो फल फ्रिज में रखने से जल्दी से खराब हो जाता है। नंबर 3। लियोनार्डो द विंची, जो एक जीनियस थे और काफी फेमस फिलोसोफर थे, जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग और काफी अलग अलग तरह के आविष्कार किए थे। तो लियोनार्डो द विंची के बारे में एक बहुत ही अद्भुत फैक्ट है कि वो लिखते समय अपने शब्दों को उल्टे क्रम में लिखते थे, और वो लेफ्टी थे इसीलिए उनको ऐसा लिखने में आसान लगता था, और इसी के चलते उन्होंने पूरी एक बुक उल्टे शब्दों में लिखी है, और उस बुक की कीमत थी 350 करोड़ रुपए, जिसे माइक्रोसॉफ्ट के बनाने वाले बिल गेट्स ने खरीदा था। नंबर 2। गूगल कंपनी एक ऐसी कार को बना रही है जो सेल्फ ड्राइविंग कार होंगी, जिसमें ड्राइवर की कोई जरूरत ही नहीं होगी। आपको कहीं भी जाना होगा तो आपको उस कार के रडार पर बस अपनी लोकेशन सेट करनी होगी, और इसके बाद वो कार अपने आप ही आपको उस जगह पर ले जाएंगी। और इस कार के आने की वजह से आजकल की दुनिया में जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। नंबर 1। स्मार्टफोन का इस्तेमाल तो आप करते ही हो,
और उसकी बैटरी कितने जल्दी कंज्यूम हो जाती है वो तो आपको पता ही है, और इसी के चलते आप उसे फिर से चार्ज पर लगा देते हो। और कई सारे लोगों की आदत होती है कि वो जब भी चार्ज करते हैं तब उसे पूरा 100% होने पर ही चार्जर प्लग से हटाते हैं, पर ये एक ऐसी कॉमन गलती है जिससे आपको बचना चाहिए, नहीं तो इसी के चलते आपके स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ और भी जल्दी खत्म हो जाएंगी। 100% चार्ज करने से आपके मोबाइल की बैटरी ड्रेन हो जाती है। आपके फोन में लिथियम आयन बैटरीज होती है और वो बैटरी ऐसी बनी होती है जिसकी कैपेसिटी 30% से 50% के बीच में उसका लेवल हमेशा बना रहे, और अगर हमेशा आप उसे 100% फुल चार्ज रखोगे तब आपके फोन की बैटरी दिन से दिन कमजोर होते जाएंगी। नाउ दैट्स व्हाई आपको कभी भी अपने फोन को 100% फुल चार्ज नहीं करना चाहिए। आप 85% या फिर 90% चार्ज कर लो ना, जिससे आपके फोन की बैटरी जल्दी खराब नहीं होगी और इससे आपका ही फायदा होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सबको शेयर भी कर देना, और इस क्यूरियस फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।